हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी है सफाई का टाइम सुबह सुबह, तो अभी जा रही हूँ मैं पंखा साफ करने, पंखे की सफाई। हाँ, जमकर सफाई चल रही है। देखो क्या सफाई में लगे हुए हैं, पूरी हेल्प करते हैं दिवाली की सफाई में, और एक एक चीज़ को चमका देंगे बिल्कुल। और मैं जा रही हूँ भी आटा गूंदने, क्योंकि भूख लग रही है, नाश्ता भी करना है। और पर्दे मैंने, तो यहाँ मेरे पर्दे धुल रहे हैं, कुछ धुल गए अभी, कुछ और बाकी हैं। तो अभी बनाते हैं क्रिस्टी का नाश्ता, क्यों बना रही हूँ दाल के पराठे नाश्ते में। तो फ्रेंड्स, नहा चुकी हूँ लेकिन अभी तैयार नहीं हुई हूँ मैं। हाँ, पहले कर लेते हैं पूजा, क्योंकि आज धनतेरस है। तो चलो लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे और पूजा करेंगे। देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, धूप चढ़े खील चढ़े। तो यहाँ पे लाइट लग चुकी है, हो गई भी कंप्लीट लाइट, अभी बची है कहीं, हो गई पूरी, पूरी हो गई। पेड़ पौधों पे भी लगा दो तो बहुत सुंदर लगेंगी, यहाँ भी लगा दो। ये बताओ आज दीदी के यहाँ चलोगे क्या? तो तभी तैयार हो जाऊंगी साड़ी पहन के, देखते हैं। धनतेरस आज भी है, कल भी है, दो दिन है क्या? हाँ, दो दिन है। दिवाली परसों की है ना? हाँ। तो मशीन मुझे बुला रही है, इसको दोबारा से चालू कर दो। देखो मुझे धनतेरस पे क्या मिला, इतना सारा धन। किसने दिया? गैस करो किसने दिया? या करेक्ट, इतना सारा धन मिला मुझे धनतेरस पे। हैप्पी धनतेरस। अब ये क्या शक्पा हो गया कि पूरा इसमें सीटी नहीं कुकर में, और पूरा ही जल गए चावल। तो अभी मैं भगोने में क्या कर रही हूँ कि इनको थोड़ा सा पानी डाल के उबला हुआ हल्की सी भाप लगा दूंगी, तो ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हल्के से कच्चे लग रहे हैं मेरे को। और ये क्रिस्टी की हालत खराब हो चुकी है, लटक लटक के आ रही है, ताकत खत्म। और ले ले, वो ले ले पटाखे, पटाखे पटाखे नहीं लिए, फिर ऐसे क्यों आ रहे हो, थके थके ऐसे क्यों हो रहे हो? थक गए? पकड़ू क्या? पकड़ू ये ये क्या लाइए फिर, पटाखे नहीं है तो बहुत कम है। तो अभी क्रिस्टीना जो है कॉलोनी के मंदिर में आ गई है, हालांकि ये मंदिर अभी पूरी तरह से बना नहीं है ना ही। ये क्या है ये बेटा? ये होगा कि शिवलिंग का वो लगेगा ना यहाँ पे, तो जल चढ़ाएंगे तो जल यहाँ पे शायद इकट्ठा हुआ करेगा, इस तरह से है ये। अभी ऊपर जाने का रास्ता नहीं, तो ऊपर मंदिर छत पे कौन जाता है भाई? चल भाई अभी साइकिल दे ले, कभी तेरी साइकिल ले जाए, उसमें वैसे ताला नहीं है तेरी, चल खड़ी है तेरी साइकिल, बच गई तेरी साइकिल है। क्रिस्टीना इतनी बड़ी हो चुकी है लेकिन इसको ना अभी साइकिल चलानी नहीं आई, ये अब भी बैलेंसर लगा के ही चलाती है। मैं कैसे चलाऊं, साइकिल तो मेरे पर रखी रहती है ना। हाँ ये भी ज़्यादा चलाती भी नहीं है, क्योंकि ये रहती है लखीमपुर में, साइकिल रहती है मेरठ में। दिन पे दिन क्रिस्टी बड़ी होती जा रही है, साइकिल छोटी होती जा रही है ना क्रिस्टी? सीट ऊँची कराई है वो, है ना, जैसे कोई मूर्ति खराब हो जाती है ना घर में रखी रखी, तो उन्हें फेंकते तो है नहीं, तो ये मंदिर में रख देते हैं, या फिर जो है किसी नदी में बहा दो इनको, ऐसे भी कर देते हैं। जय बजरंग बली। बैठ के चला ले, खड़ी होकर चला रही है, ये गाड़ी मत ना ठोक दियो। तो हमारा क्रिस्टीना बेबी जो है काफी तेज हो गया है, पहले तो कह रहा था कि मैं बस थोड़ी सी दूर जाऊंगी साइकिल चलाने के लिए, फिर वहां पहुंच गई, फिर कहने लगी थोड़ी सी दूर और, फिर वहां पहुंच गई, फिर कहने लगी थोड़ी सी दूर और, ऐसे कर करके दुकान तक पहुंच गई। और फिर इसने क्या कहा कि मुझे कोई चीज दिलाओ, फिर क्या खरीदा है आपने? ये लैक्टो चोको पाए, लैक्टो चोको पाई होता है, लैटी लैटी नहीं, वो लैक्टो चोको पाई है, लैटरिन चोटरिन पाई। हमने दुकान पे यही बोल दिया था, लैटरिन चोटरिन। तो हमारी कॉलोनी के जो मेंटेनेंस वाले हैं, उन्होंने देखो जगह जगह कितना अच्छा ही टैक्स लगा रखे हैं, तपती दोपहर में पशु और पक्षियों के लिए इसमें पानी अवश्य भरे, समस्त सरस्वती लोक परिवार। कहाँ है ये तो पोपट हो गया, चलो कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये है कि वो अपना बर्तन ला के तो रख सकते हैं ना। वहाँ पे हमारी
नहीं, इन्होंने यहाँ मतलब ऑप्शन दे दिया कि आप यहाँ मतलब कोई बर्तन ला के यहाँ रख सकते हैं और जिससे कि उसमें पशु या पक्षी कोई पानी पी सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता है लोगों के जैसे कि इंसान है उनके लिए भी पानी रखना चाहिए, जैसे कि मेरे हाथ गंदे हो और मुझे प्यास लगी है तो मैं क्या पीऊँ बताओ। तो इंसान तो हाथ पैर होते हैं ना, कैपेबल होता है, वो अपने घर जाके या किसी के घर जाके बोल के मांग सकता है, लेकिन पशु तो नहीं बोल सकते ना कि हमें प्यास लगी है पानी दे दो, है ना। हम इंसान तो किसी घर में चले जाओ कहेंगे आंटी अंकल प्यास लगी है एक गिलास पानी मिलेगा, तो कोई पिला देगा पानी। अब तेरे को प्यास लगी है अब घर जाके पीना चलो। अभी सामने से कौन आ रहा है भाई यार, ये है कौन? अरे तो मेरी बीवी सी लग रही है। तू कहाँ जा रही थी सच धज के? हम शॉपिंग करने जा रहे थे। कहाँ जा रही हो? जाओ तो क्या लेके आओगे? धनतेरस का दीवा और मतलब कुछ सामान। तो इतनी सारी धज के जा क्यों जा रही है? मम्मी जी कह रही कि त्योहार तो ना शादी से भी ज्यादा जरूरी होते हैं इसलिए। ठीक है संभल के जाना, संभल के आना। ये दे दो, सुनता है लग रहा है कि और कोई है। हैं दूर से देखने में ऐसा है ऐसा का कोई और है। मैं और मम्मी जी बाहर जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग के लिए धनतेरस की, और मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है इतना सब पहन के सब धज के। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे भी चलता है। अभी वहाँ तक हम पैदल ही जाने वाले हैं, पता इतनी डिस्टेंस हम निकल चुके हैं, अभी इतनी डिस्टेंस और चलना है, फिर उसके बाद मार्केट आएगा और फिर अभी देखते हैं मार्केट में कितना चलना पड़ेगा। वैसे तो बहुत अच्छे से मार्केट सजा हुआ है, इस तरह की लाइटिंग बहुत पसंद है, इनका घर ही पूरा मुझे बहुत पसंद है। अगर भगवान ने चाहा ना एक दिन हमारी भी ऐसी कोठी होगी। तो भाई वेस्टर्न कल्चर ना इतना ज़्यादा हावी हो चुका है हम लोगों पर कि हम इंडियन कल्चर को बिल्कुल भूल ही चुके हैं। तो इस बार ना मैं इस दिवाली में इंडियन कल्चर को यादगार बनाना चाहती हूँ और थोड़ा उसको फील करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया था कि मैं जितने भी दिन मतलब जितने फेस्टिवल्स हैं 7 days या जो भी फेस्टिवल वाला माहौल रहेगा तो साड़ी पहनूंगी। और जो है आप लोगों का मैसेज नहीं आ पाया, मतलब हमारी वीडियो थोड़ा लेट हो गई थी अपलोड करने के लिए, उस वजह से नहीं आ पाया था आपका मैसेज, तो इस वजह से मैंने मम्मी जी की पसंद से पहन ली वाली साड़ी। मोमबत्ती हैं, दीवे नहीं हैं। कहाँ हैं दीवे? अच्छा ये रहे, हाँ प्लेट्स, हाँ हाँ ये छोटी है, वो क्रिस्टी वाली थोड़ी सी बड़ी है। हाँ इतनी है दीवे इनके पास, दीवे हैं आपके पास? दीवे दिए दिए नहीं है इनसे। तो अभी यहाँ पे ले रहे हैं झाड़ू, क्योंकि झाड़ू ना धनतेरस के दिन जरूर ली जाती है, इसलिए आप 50 तो कर दो, दे दो। देखो बना रही है। क्या बार्गेनिंग कर रही है ना उसकी, बना रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर सुंदर है ये कैंडल्स, ये हैं ये हैं ये हैं सब कैंडल्स हैं, और ये भी कैंडल हैं। वाव, लक्ष्मी जी के पैर हैं और ये लटकन्स हैं और ये फूल हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। पर शॉपिंग हो गई बहुत सारी और अभी जा रहे हैं घर पे, और यहाँ पर डर है ना फ़ोन छीन के ले जाए, इसलिए फ़ोन रख लेती हूँ अंदर। भैया ये चॉकलेट वाला कितने का है? ये वाला वाला, ये चॉकलेट वाला, ये भाभी 200 रुपये का। काफ़ी सारा सामान, अब चलते हैं घर, चलेंगे हम गोलगप्पे मम्मी जी के साथ। तो 10 to 4 थे, अब 10 to 3 हो गए। सारा सामान हो गया और हम दोनों के पास ही, और अभी बहुत दूर पैदल चलना है। तो यहाँ सबके दिए जल चुके हैं, अभी हमारे भी दिए जलाने हमको बाकी हैं, अभी घर पहुँचते हैं फिर उसके बाद दिए जलाते हैं। चलते चलते बिल्कुल थक चुकी हूँ। आई मेरा तो हार्ट टूट गया, लेने क्यों ना आए मेरे को बताओ पहले। फोन करा लेने आ जाओ। तो आ जाते घूमते घूमते। ये देखो हम क्या लेके आए, सबके लिए गोलगप्पे। आज हमारे घर में आए हैं कुबेर जी, जय हो कुबेर महाराज, हनुमान जी भी, और हनुमान जी आए हैं आज हमारे घर में नए नए। और क्या लाए हम मम्मी जी, और क्या लाए हम? इतनी देर में यही लाए बस। बहुत सारा सामान लाया, ऐसे देखो कुबेर जी के बारे में बता दे बस। अच्छा, रंगोली के कलर भी लेके आए हैं, ये रे ना जी की माला लेके आए हैं, ये भगवान जी की माला वाला, तो छोटे मोटे सामान लेके आए, उसमें टाइम लग गया हमें बहुत ज्यादा। मम्मी जी ना खूब बार्गेनिंग कर रही है आज, गोलगप्पा गया मेरे यहाँ पे, सब कुछ सर्व कर रही है गोलगप्पे। मम्मी के दो हो गए। हाँ तू बहुत देर चुप बैठी थी, गोलगप्पे देखती है, इसके देखो कैसे जवान निकल रही है, कैसे बोल रही है, पटरी पटर पटरी पटर, सब कुछ सर्व करके दे रही है। भाई भगूड़िया
पूजा की तैयारी करते हुए। मैं आज बहुरिया बनी हुई हूँ, बहू वाले देसी वाली बहू। हनुमान बजरंग बली की जय, वीर महाराज की जय। यहाँ पे हमारी बहू जो है सासू के पैर छूते हुए और सासू माँ आशीर्वाद देते हुए राम राम। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का लुक और मैं ऐसे ही मार्केट चली गई। सोचो मुझे कितना वियर्ड सा लग रहा होगा। तो ये ना दीदी ने मुझको साड़ी गिफ्ट की थी मेरी शादी पे, लहंगा साड़ी, और मैं ना आज ऐसे ही गई। मैंने कहा कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आज ऐसे ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू स्लीप। तो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे, बहुत थक गए आज बाहर घूमे, और फिर घर में भी आने के बाद ना मस्ती मस्ती करते रहते हैं कि बाय बाय।